नमस्कार। जैसा कि कोरोना की जो स्थिति बनी देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनी थी, तो मेरा मानना कि जिन राज्यों ने, जिन देशों ने इसको गंभीरता से लिया, वहां पर काफी हद तक इस पर रोक लगी और फैलाव नहीं हो पाया। उनमें राजस्थान भी एक है। हमने शुरू से ही, जैसे ही पहला पेशेंट आया राजस्थान के अंदर, इटली का था, पर्यटन पर्यटक था, उसके बाद में हम लोगों ने इमीडिएटली सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट किया, जिसमें चाहे अपोजिशन पार्टियां थी उन लीडर्स को बुलाया गया, सोशल एक्टिविस्ट थे उनसे बातचीत की गई, रिटायर्ड डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत की गई, और आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन लोगों की मीटिंग की गई। इस प्रकार से हमने कोशिश की कि रिटायर्ड डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनकी अलग मीटिंग की गई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं उनको बुलाया गया। तैयारी हमने इस प्रकार से कर ली जिससे कि आने वाले वक्त में लड़ाई हम लोग लड़ सकें कोरोना के खिलाफ में। उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए मेरा मानना है। हालांकि अभी भी पेशेंट आ रहे हैं पॉजिटिव, और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिला प्रशासन और स्टेट लेवल पर लगातार, जो हमने कोर ग्रुप बनाया है मॉनिटरिंग के लिए, तत्काल निर्णय लेने के लिए, एसीएस उनकी अध्यक्षता में। इसके अलावा हमने वार रूम बनाए हैं स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, एडीएम की अध्यक्षता में। हेल्थ के लिए अलग से वार रूम बनाया गया है एसीएस हेल्थ की अध्यक्षता में। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार जो स्क्रीनिंग की है, वो भी, राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है, 1.7 फैमिलीज को अभी तक हमने टच कर लिया है। इसका मतलब करीब करीब 5 करोड़ लोगों तक हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर, और 15,000 टेस्ट कर लिए, जो केरल के बाद में सबसे अधिक है लगभग राजस्थान के अंदर, और 1 लाख बेड हमने चिन्हित कर लिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर। 25 करोड़ रुपए हमने इंसेंटिव रखा है हेल्थ डॉक्टर्स, नर्सेज, उन लोगों के लिए। और वॉर रूम के अलावा, जो मैंने आपको बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अलग से विंग बनाई गई है, और मैं खुद लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने धारा 18 मार्च को ही सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, मंदिर मस्जिद जितने ही गुरुद्वारे हैं उनको बुला के धर्म गुरुओं से बात करी गई, उनकी मीटिंग की गई, उनको रिक्वेस्ट किया गया आप खुद अपील करो अपने फॉलोअर्स की कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और आपको उसको मानना पड़ेगा। अल्टीमेटली सबने माना, तो हमने पहले से ही जो है 144 लगा करके लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी थी, उसका लाभ हमें मिला था। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू के वक्त में कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने उस वक्त में जो लैब्स वगैरह बनाई थी, पहले पुणे और दिल्ली भेजनी पड़ती थी सैंपल, उसका फायदा हमें मिला है राजस्थान के अंदर सभी संभाग के मुख्यालय पर हमारी लैब से, और हम कैपेसिटी बढ़ा दी, 200 से 1.5 हजार कैपेसिटी हो गई जयपुर के अंदर भी टेस्ट करने की। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार काम करके ये स्थिति कर दी, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। आज राजस्थान में, मैंने अभी 2 दिन में राजस्थान भर में सब जिलों में बात करी, हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, चाहे किसी पार्टी के थे, करीब सबने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। जिला प्रशासन भी, पब्लिक भी और पॉलिटिशियन भी, सब पार्टी के लोग मिलकर काम करें, ऐसा माहौल राजस्थान बन चुका है। उसी माहौल में हम लोग अब काम कर रहे हैं।